हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पूरे फैक्ट के साथ मिलती है। और आपका खुद का चैनल है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इन्फो मैग्नेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप इन्फो मैग्नेट फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। तो कैनेडा, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के मामले में, लेकिन ये इमिग्रेंट की बहुत पहली पसंद बन जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो देखा जाए तो इमिग्रेंट को लेकर रूल्स जो है वो बहुत कम रिस्ट्रिक्टेड है, वहाँ पर जाना आसान है, इस वजह से वहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हैं। लेकिन वहाँ पर अक्सर हमें ये देखने को मिला है कि वहाँ पर एंटी इंडिया एक्टिविटी बहुत ज़्यादा की जाती है। अभी हाल ही में सिक्स फॉर जस्टिस, जो भारत सरकार ने बैन कर रखा है, एक संगठन है, 2019 में बैन किया था, एक आतंकवादी संगठन माना था सरकार ने इसको, उन्होंने वहाँ पर कनाडा में एक रेफरेंडम ही आयोजित करा दिया खालिस्तान को लेकर, यानी कि हमें खालिस्तान बनाना चाहिए और हमें खालिस्तान मिलना चाहिए जो भारत देश से कट जाएगा। और इस चीज़ को लेकर भारत सरकार ने कनाडा की सरकार को वार्न कर दिया है और अपने जो नागरिकों को एडवाइजरी जारी की है कि आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना है और देखभाल के रहना है। तो क्या है ये पूरा मामला और क्यों इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पोस्ट आर्टिकल है, खालिस्तान रेफरेंडम इन कनाडा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर कंडम्स पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक्सरसाइजेज इन फ्रेंडली कंट्री। तो यहाँ पर जो विदेश मंत्रालय भारत सरकार का, उसने पूरी तरह से इसको कंडम किया और ये बोला है कि ये जो एक्सरसाइज है, जो रेफरेंडम हुआ है खालिस्तान से रिलेटेड, वो एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक्सरसाइज है जो हमारे मित्र देशों में हो रही है। क्योंकि ये देखा जाए तो कनाडा से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है और भारत अभी भी कनाडा को एक मित्र देश ही कंसिडर करता है। इसके अलावा जी न्यूज़, इंडिया कंडम एक्टिविटीज़ ऑफ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट इन कनाडा, टर्म्स खालिस्तान रेफरेंडम फार्सिकल, यानी कि जो इसको बताया गया है भारत सरकार ने इसको एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट बताया, यानी कि जो चरमपंथी तत्व होते हैं ना उसका क्या आधार बताया है भारत सरकार ने। और ऐसे में पाकिस्तान भी कहाँ पीछे रहने वाला था, जो भी चीज़ें होती है ना एंटी इंडिया उसमें तो पाकिस्तान बढ़ चढ़ कर सामने आता है। जैसे कि अभी देख लो, पाकिस्तान डिप्लोमेटिक फ्लाई इन कैनेडा सिख रेफरेंडम सूप, यानी कि इसको रेफरेंडम को अपना सपोर्ट देने के लिए जो पाकिस्तान के डिप्लोमेट है वो कनाडा गए और यहाँ पर अपना सपोर्ट दिया और बातचीत की कि आगे क्या है क्या नहीं जैसे करना है वो सब यहाँ पर जो है करने गए। तो बात करते हैं कि मामला क्या है। तो देखिए, कनाडा में भारतीय लोगों के लिए सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि देखा जाए तो कनाडा में भारतीय लोगों के ऊपर लगातार हेट क्राइम बढ़ता जा रहा है। और ना सिर्फ हेट क्राइम बल्कि कनाडा में तो एंटी इंडिया एक्टिविटी भी लगातार देखने को मिल रही है, जिसको देखते हुए भारत ने यहाँ पर कनाडा में रह रहे अपने भारतीय लोगों को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें सभी लोगों को ये बताया जा रहा है कि वो जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं उनको ये फॉलो करना चाहिए। अब मैं बता देता हूँ कि ये एडवाइजरी क्या है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये एडवाइजरी जारी की है और इसको इशू किया है जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक पर्सन है अरिंदम बागची, इन्होंने ये ट्वीट करके ये एडवाइजरी इशू की है। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये एडवाइजरी जो कनाडा में रह रहे भारतीय लोगों को और भारतीय स्टूडेंट को लेकर इशू की गई है। आपको तो पता ही होगा कि भारत में काम करने के लिए बहुत सारे लोग कनाडा जाते हैं और इसके अलावा वहाँ पर पढ़ने भी बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं, उन्हीं की सुरक्षा के लिए भारत ने एडवाइजरी इशू की है। और इस एडवाइजरी में साफ साफ बताया गया है कि कनाडा में हेट क्राइम, सेक्टेरियन वायलेंस और एंटी इंडिया एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और भारत का विदेश मंत्रालय के साथ साथ कनाडा में जो हाई कमीशन है और कंसुलेट जनरल है, उन्होंने इस मामले को उठाया है और कनाडा की सरकार से इन मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा है और जो भी एक्शन जरूरी है वो लिया जाना चाहिए ताकि न्याय हो पाए और जो ये सब कर रहे हैं उन्हें सज़ा मिले। और इन सब क्राइम अगेंस्ट इंडियंस को देखते हुए भारत से जो लोग कनाडा में रह रहे हैं उनको सावधानी बरतनी चाहिए और हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। और इसके अलावा जो भी लोग भारतीय लोग कनाडा में रह रहे हैं उन सबको भारत के हाई कमीशन और कॉन्सुलेट जनरल की वेबसाइट, जो भी उनकी रिस्पेक्टेड वेबसाइट है, उसमें रजिस्टर करना चाहिए ताकि भारत के पास कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिकों की डिटेल मौजूद रहे, सारी डिटेल, ताकि कभी कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाए, कुछ इमरजेंसी हो जाए तो वो भारतीयों के साथ जो हो रहा है वहाँ पर, तो ऐसे में भारत उनकी मदद कर सके। तो इस तरह की एडवाइजरी भारत सरकार ने इशू की है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि भारत ने ऐसा करने की क्या ज़रूरत आ पड़ी। तो देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है खालिस्तान मूवमेंट और कनाडा में इसको लेकर हुआ एक रेफरेंडम, यानी कि जनमत संग्रह, जिसमें लोगों से राय ली जाती है कि क्या हमें इसके साथ जाना चाहिए या नहीं, या आज़ाद होना चाहिए या नहीं। तो इस तरह से रेफरेंडम के लिए वहाँ पर बात चल रही थी। आप देख सकते हैं खालिस्तान रेफरेंडम 18 सितंबर को ये ब्रॉम्पटन कनाडा में हुआ था। आप देख सकते हैं कि 18 सितंबर को ब्रॉम्पटन में खालिस्तान के लिए एक जनमत संग्रह हुआ, जिसमें
खालिस्तान को एक अलग देश बनाने की मांग की गई और इस जनमत संग्रह में 1,00,000 से भी ज्यादा लोग शामिल हुए थे। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जिस तरह से आपने देखा वीडियो में, किस तरह से दिखाया गया है कि कितने 1,00,000 से भी ज्यादा लोगों ने जनमत संग्रह में भाग लिया और इस पूरी वोटिंग को एक प्रो खालिस्तानी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस ने ऑर्गेनाइज किया था और ये संगठन पहले से ही एंटी इंडिया एक्टिविटी के लिए फेमस है और इसी को देखते हुए भारत सरकार ने 2019 में इसे बैन कर दिया था और एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। लेकिन कनाडा में यह संगठन बैन नहीं है, तो ये वहाँ पर अपनी एंटी इंडिया एक्टिविटी को एग्जीक्यूट कर रहा है और लगातार अपनी एंटी इंडिया एक्टिविटी को बढ़ा रहा है। और इतना ही नहीं, ये संगठन खालिस्तान को बनाना चाहता है जो पूरी तरह से भारत से कट जाएगा और भारत से आज़ाद होना इस संगठन का मकसद है। हालांकि देखा जाए तो भारत में इसका कोई असर तो नहीं होगा, लेकिन यह एक सिंबॉलिक जेस्चर है जो ये दिखाता है कि खालिस्तान को बनाने की आवाज़ अभी ख़त्म नहीं हुई है। और फिर इसके बाद भारत सरकार ने कनाडा की ज़मीन से हो रही एंटी इंडिया एक्टिविटी को लेकर कनाडा को वार्न किया और बोला है कि ये रेफरेंडम नहीं होना चाहिए, लेकिन कनाडा की सरकार ने इस जनमत संग्रह को रोकने से मना कर दिया और बोला कि हम इसे नहीं रोक सकते हैं, सिख लोग अपने विचार रख सकते हैं और हम किसी को भी अपने विचार रखने से नहीं रोक सकते। तो इस तरह से कनाडा की सरकार ने पूरी तरह से इसको मना कर दिया कि भाई ये तो होगा, हम इसको रोक नहीं सकते। और फिर इस जनमत संग्रह के बाद थर्सडे के दिन भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची ने इस जनमत संग्रह को ये बताया कि ये रेडिकल और एक्सट्रीमिस्ट तत्वों द्वारा किया गया है और ये जनमत संग्रह बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल है जो कनाडा ने अलाउ किया। हालांकि देखा जाए तो सिर्फ ये खालिस्तान का जनमत संग्रह ही अकेला मामला नहीं है, बल्कि यहाँ पर पिछले हफ्ते एक हिंदू मंदिर को भी डिफेस किया गया था, यानी कि अपवित्र किया गया था और मंदिर की दीवारों पर एंटी इंडिया ग्रैफिटी बनाई, यानी कि दीवारों पर एंटी इंडिया स्लोगन लिख डाले। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये खालिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद, इस तरह से यहाँ पर एंटी इंडिया जो स्लोगन थे वो ग्रैफिटी के रूप में लिख डाले वहाँ पर पेंट ब्रश से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं खालिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ और ये और हिंदुस्तान मुर्दाबाद लिखा हुआ है और ये किया गया है BAPS स्वामीनारायण मंदिर टोरंटो में, जो देश के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है और इसकी भी खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ने अंजाम दिया है। इंडियन हाई कमीशन ने इस इंसिडेंट को कंडम किया और इंडिया ने इस पूरे मामले की जाँच करने के लिए कहा है और बोला है कि जो भी इसके पीछे हैं उसको सज़ा मिलनी चाहिए और ये ट्वीट करके मांग की गई थी, उन्होंने ट्वीट किया था। इसके अलावा ये पहला मामला नहीं है जहां पर एंटी इंडिया और एंटी हिंदू एक्टिविटी की गई, इससे पहले भी कई सारे इंसिडेंट खालिस्तानियों द्वारा किए गए हैं। और ये सारी बात तो हो रही है जनमत संग्रह और टेम्पल पर हमलों की, लेकिन यहाँ पर भारतीय लोगों पर फिजिकल असॉल्ट भी हुए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी जो भारत ने एक एडवाइजरी जारी की है वो भारतीय स्टूडेंट के ऊपर हमले के 4 दिनों बाद जारी की गई, क्योंकि 12 सितंबर को सतविंदर सिंह नाम के एक भारतीय स्टूडेंट पर गोलियों से हमला किया गया था जिसके बाद में मौत हो गई थी। अप्रैल के महीने में भी एक इंडियन स्टूडेंट को गोली मारकर मार दिया गया था। हालांकि देखा जाए तो पुलिस इसे रैंडम अटैक मान रही है, लेकिन स्टूडेंट की फैमिली इसे एक हेट क्राइम मानकर चल रही है। इससे पहले पिछले 7 सितंबर के महीने में एक और भारतीय प्रभजोत कत्री का मर्डर ट्रूरो के अपार्टमेंट में हो गया था और ये एक और हेट क्राइम था जिसके लिए वहाँ की एक MP सोनिया सिद्धू ने भी आवाज़ उठाई थी। और आपको पता होगा कि पिछले साल उत्तर भारत में खासतौर से दिल्ली के आसपास किसानों ने काफ़ी ज़्यादा विरोध कर रखा था और ये 3 कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध कर रहे थे, बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा था, धरने पर बैठे हुए थे, हाईवे पर बंद कर रखा था, रोड जाम कर रखे थे। इसमें ज़्यादातर सिख लोग ही थे, लेकिन तब कनाडा में रह रहे हिंदुओं पर खालिस्तानी समर्थकों ने हमला किया था और तब भारत सरकार ने इस मुद्दे को उठाया था ताकि इस तरह के हमले दोबारा कनाडा में ना हो। तो कनाडा जो एक इमिग्रेंट फ्रेंडली कंट्री है तो वहाँ पर आने जाने पर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वहाँ पर 2019 से 2021 के बीच 72% तक हेट क्राइम बढ़ गए हैं, यानी कि इसमें इजाफा हुआ है और ये डाटा खुद कनाडा की सरकार ने इशू किया, यानी कि यहाँ पर मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है। हेट क्राइम वहाँ पर लगातार बढ़ रहे हैं, अभी आप देख सकते हैं 72% ही भी बढ़ा है और आगे आने वाले साल में अगर कनाडा की सरकार ने एक्शन नहीं लिया तो ये 72 क्या ये 100% भी क्रॉस कर सकते हैं। और धर्म के आधार पर जो हमले हुए हैं उस पर 67% हेट क्राइम बढ़े हैं और रेस और एथनिसिटी के आधार पर 6% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धर्म के आधार पर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं यहाँ पर हेट क्राइम। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए @ इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है, @ इमरान सिद्दीकी।
तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट यू प्रेसियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।